हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये देखिए, आज बात करते हैं अगर आप लोग का जो खजूर का पेड़ है उसका जो सर है यानी हेड जो ऊपर का, ये देखिए ये सीधा नहीं है, कैसे टेढ़ा हुआ है। तो अगर आप लोग को इसको सीधा करना है, देखिए हम लोग इसको सीधा कर रहे हैं, रस्सी बांधे हैं ऊपर, उसका मुंडी पर रस्सी बांधी है उसका हेड पर, उधर रस्सी बांध कर नीचे लोहे का रॉड डालिए पूरा बड़ा, ये देखिए मोटा सा रॉड डालिए, उसमें पूरा टाइट रस्सी बांध दिए, बांध दीजिए उसका सर से लेकर यहाँ तक। ये देखिए आपका ये 5-6 महीने का अंदर पूरा सीधा हो जाएगा। हम लोग ऐसे ही बहुत सीधा किया है पेड़, ये देखिए ये रॉड में हम लोग बांधा है रस्सी। आपका चाहे 2 मंजिल का भी रहेगा पेड़, मुश्किल नहीं है, वो पूरा सीधा हो जाएगा। ऐसे ही रस्सी बांधिए, देखिए उसका सर पर रस्सी बांधिए अच्छा से, सीधा हो जाएगा फिर कुछ महीने के बाद ये सीधा हो जाएगा। फिर मैं आप लोग को फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। ये देखिए हम लोग ऐसे ही बहुत खजूर का सर है जो सीधा नहीं होता है, वो टेढ़ा जो होता है उसको हम लोग बहुत सीधा किया है। ये देखिए इसका मुंडी किधर लटका हुआ है, सीधा नहीं है। तो आप लोग को भी ऐसा सीधा करना है तो ऐसे ही उसका हेड पर रस्सी बांधिए, फिर पूरा टाइट करिए नीचे रॉड डालकर अच्छा से, फिर सीधा हो जाएगा कुछ महीने के बाद। अगर आप लोग का यानी बच्चा जो निकल रहा है, ज़्यादा बच्चा है, ज़्यादा बड़ा बड़ा मत रखिए बच्चा लोग, क्योंकि वो बच्चा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आप लोग नहीं निकालते टाइम पर तो फिर वो जो बड़ा पेड़ है जो माँ है वो फिर टेढ़ा हो जाता है नीचे से ही, उसका जड़ कट जाता है बच्चा निकालने के टाइम में। तो आप लोग 10-12 किलो 15 किलो तक का जो हो जाता है उसी टाइम में निकालिए बच्चा, नहीं तो फिर टेढ़ा हो जाएगा नीचे से, क्योंकि बच्चा निकालते टाइम में उसका जड़ कट जाता है, फिर वो लटकने लगता है। अगर ऐसा भी लटक रहा है आप लोग का पेड़ जो बड़ा है माँ, तो उसको ऐसे ही सपोर्ट लगाइए, फिर सीधा हो जाएगा, गिरेगा नहीं। ये सब हम लोग का भी बड़ा बड़ा बच्चा था, बच्चा निकालने टाइम में इसका जड़ कट जाता है नीचे से, वो बच्चा का जड़ भी नीचे नीचे रहता है, इसीलिए नीचे से कट जाता है इसका जड़, फिर गिरना लगता है पेड़, टेढ़ा हो जाता है। तो ऐसे ही करिए, टाइम में बच्चा निकालिए, फिर आपका जो बड़ा पेड़ है उसको कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए यहाँ से भी देखने से कैसा टेढ़ा दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये सब हम लोग का मजरा है, ये 2013 का पेड़ है, 2013 में लगा हुआ पेड़ है। देखिए हम लोग का पाइपलाइन है, ये पानी सप्लाई करने के लिए कितना अच्छा से हम लोग सब किया है सप्लाई, इसको पानी देने के लिए ये 25 mm का पाइप है। ये देखिए पानी भी चल रहा है, कितना अच्छा से गिर रहा है बबलर से, और जो बबलर का पाइप है वो 13 mm का है। अगर आप लोग नया प्लांट कर रहे हैं, खजूर का पेड़ लगा रहे हैं, तो प्लांट उसको अच्छा बनाइए पहले, सप्लाई लाइन। ये देखिए यहीं से ये एल्बो से निकला हुआ है, ये सब 3-4 फुट नीचे है, नीचे से आ रहा है पानी,
नीचे पीवीसी पाइप है सब। ये देखिए उधर बल्ब है हम लोग का, जो हम लोग खोलता है उधर से पानी। तो अगर आप लोग भी नया प्लांट लगा रहे हैं तो ऐसे ही अच्छा से सप्लाई करिए पाइपलाइन से, ज़मीन के अंदर डालिए, ज़्यादा सेफ्टी रहेगा लॉन्ग लाइफ के लिए। वो आपका ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग पीवीसी पाइप लगाएंगे और पॉलीथीन पाइप, लेकिन प्लांट जो बनाइएगा तो अच्छा से बनाइएगा लाइफ टाइम के लिए। ये देखिए हम लोग का पानी यहाँ से सप्लाई होता है। ये देखिए हम लोग ऐसे सप्लाई करते हैं, यहाँ से ये बल्ब खुलते हैं तो पानी पेड़ में चला जाता है। अभी हम लोग का एक ही बार 150 पेड़ में पानी चल रहा है। तो अगर आप लोग का भी प्लांट अच्छा बनाना है सेफ्टी के लिए लॉन्ग टाइम के लिए तो ऐसे ही बनाइए। आप पॉलीथीन वाला भी पाइप का बना सकते हो, लेकिन वो थोड़ा बार बार उसका रबड़ ख़राब हो जाता है फ्लांचा के पास। अगर ऐसा पीवीसी पाइप लगाइएगा तो ये अच्छा टिकाऊ रहता है। ये देखिए जो मेन लाइन है ये 6 इंच का पाइप है, फिर ऊपर टी लगा है, फिर साइड साइड में भी टी लगा है 4 इंच का, ये 6 इंच का है ये वाला। फिर आप लोग 4-4 इंच का बल्ब लगाइए। ये देखिए हम लोग का ऐसे ही सप्लाई किया है, जो इस साइड से इसका नीचे जो पाइप गया है, जो ये पेड़ पे जा रहा है, नीचे 4 इंच, 3 इंच, फिर लास्ट में 2 इंच, ऐसा करके मिलाकर डाला है पाइप, क्योंकि प्रेशर भी चाहिए पानी का एक लेवल का। अगर आप लोग कैसे ही प्लांट बनाना है तो अच्छा से बनाइए। ये देखिए हम लोग का इधर बहुत ज़्यादा पेड़ है खजूर का, 30-40 हज़ार है। ये हम लोग का सर्टिफाइड कंपनी है। इधर भी देखिए सिर्फ खजूर का पेड़ ही है। तीस से 40 हज़ार जितना है हम लोग का पेड़। अगर ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।